नमस्कार जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सऊदी अरब की दो दिवसीय यात्रा पूरी कर स्वदेश लौटे पीएम मोदी। दोनों देशों के बीच रक्षा उद्योग सहित कई मुद्दों पर हुए हस्ताक्षर। भारत की ऊर्जा सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध सऊदी। दोनों देशों के बीच इसी साल होगा पहला नौसेना अभ्यास। महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना के बीच चरम पर पहुंचा संघर्ष। आज भाजपा विधायक दल के नेता चुने जाएंगे फडणवीस। शिवसेना की बयानबाजी से नाराज अमित शाह ने रद्द किया मुंबई दौरा। उद्धव ठाकरे ने नई सरकार के गठन के लिए होने वाली बैठक टाली। कश्मीर पहुंचे ईयू सांसदों की प्रेस कॉन्फ्रेंस से खुली पाकिस्तान के दुष्प्रचार की पोल। प्रतिनिधिमंडल के सांसद बोले शांति और विकास चाहते हैं कश्मीर के लोग। ईयू सांसद बोले नाजीवादी होते तो हमें चुना नहीं जाता। भारत एक शांतिप्रिय देश। 370 भारत का आंतरिक मामला। सांसदों ने मीडिया द्वारा की गई गलत रिपोर्टिंग की जमकर की आलोचना। सेना सेवी की बात, कहा लोगों से बातचीत में स्थानीय मुद्दों को समझने में मिली मदद। सरकार बनने के बाद दिल्ली में हुई हरियाणा कैबिनेट की पहली बैठक। जेजेपी को 3 मंत्री पद दिए जाने को लेकर हुआ विचार विमर्श। बैठक में युवाओं और किसानों समेत 4 अहम फैसलों पर लगी मुहर। 4 नवम्बर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की हुई अनुशंसा। अगले 8 दिन में अयोध्या समेत कई अहम फैसले देंगे सीजेआई रंजन गोगोई। 17 नवम्बर को अपने पद से सेवानिवृत्त होंगे मुख्य न्यायाधीश। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर खुफिया एजेंसियां अलर्ट। आईबी ने अयोध्या, काशी और मथुरा में डेरा डाला। नौकरी पेशा लोगों को मोदी सरकार देने जा रही है बड़ा तोहफा। अब 1 साल में कंपनी को देनी पड़ सकती है ग्रेजुटी की रकम। हिंसा के साए में बटने को तैयार जम्मू कश्मीर और लद्दाख। कल हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस दिलाएंगी दोनों गवर्नर को शपथ। दोनों केंद्र शासित प्रदेश बनने को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। हाई अलर्ट पर सेना, अर्धसैनिक बल और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान। कश्मीर मुद्दे पर भारत का साथ देने वाले देशों को पाकिस्तान की चेतावनी। मंत्री अली अमीन ने कहा सभी मुल्कों पर दागी जाएंगी मिसाइलें। अनुच्छेद 370 हटने के बाद घाटी में सबसे बड़ा आतंकी हमला। आतंकवादियों ने कुलगाम में 5 गैर कश्मीरी मजदूरों की ली जान। लगातार जहरीली होती जा रही है दिल्ली NCR की हवा। फिजा में घुले जहरीले कण, आसमान में फैली धुंध की चादर। आंखों में जलन होने के साथ ही लोगों को सांस लेने में हो रही है परेशानी। आज तेज हवाएं चलने की संभावना, छट सकता है प्रदूषण। तमिलनाडु में भारी बारिश से 6 जिलों में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। स्कूल कॉलेज बंद, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने मोदी सरकार से मांगी CISF की सुरक्षा। का बंगाल में TMC की वफादार है स्थानीय सिक्योरिटी। ब्रिटेन के PM को मध्यावधि चुनाव के लिए सांसदों का मिला समर्थन। ब्रेक्जिट गतिरोध खत्म करने के लिए 12 दिसंबर को होंगे चुनाव। शिवसेना नेता संजय राउत के बयान पर दुष्यंत चौटाला का पलटवार। बोले JJP ध्वंस और धमकी की राजनीति नहीं करती है। पी चिदम्बरम हाथों में सूजन वाली क्रोन्स बीमारी से ग्रस्त। तत्काल विशेष उपचार की बताई गई जरूरत। झारखंड चुनाव में 9000 से ज्यादा पुलिस और सैन्य बलों की होगी तैनाती। चुनाव आयोग ने आयकर विभाग के अधिकारियों की तैनाती की दी मंजूरी। मनमोहन सिंह और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जाएंगे करतारपुर साहिब। 575 लोगों के पहले जत्थे में CM अमरिंदर सिंह का नाम शामिल। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने घाटी में इंटरनेट सेवा रोकने का किया समर्थन। बोले इससे बड़ी आतंकी घटनाओं को टालने में मिली मदद। भाई दूज के मौके पर ममता बनर्जी के घर पहुंचे शोभन चटर्जी। तृणमूल कांग्रेस में वापस लौटने का दिया संकेत। रिजर्व बैंक ने बंधन बैंक पर लगाया 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। नियमों का पालन न करने पर पुणे के 2 सहकारी बैंकों पर भी हुई कार्रवाई। विधायी निकायों को कारगर बनाने के लिए उपराष्ट्रपति ने दिए सुझाव। सदन की घटती बैठकों, व्यवधानों और बहस के गिरते स्तर पर जताई चिंता। 574 करोड़ रुपए के पूंजी घोटाला मामले में पैलान ग्रुप पर बड़ी कार्रवाई। CBI ने कंपनी के CMD अपूर्व कुमार शाह को किया गिरफ्तार। अब बिना OTP के टिकट कैंसिल कराने पर नहीं मिलेगा रिफंड। बुकिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए रेलवे ने शुरू की नई प्रणाली। रेल मंत्री गोयल ने की उत्तर पश्चिम रेलवे के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। नॉन फेयर आय बढ़ाने के लिए रचनात्मक तरीके अपनाने पर दिया जोर। एयरबस को 300 विमानों का ऑर्डर देगी इंडिगो। कंपनी ने $33 अरब की लागत का लगाया अनुमान। कश्मीर में मारे गए 5 मजदूरों के परिवारों को मदद देगी बंगाल सरकार। ममता बनर्जी ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए किया ऐलान। छोटा राजन के खिलाफ 5 मामलों की जांच करेगी CBI। अपहरण और रंगदारी जैसे अपराधों को अंजाम देने का है आरोप। 2050 तक भारत में 3.6 करोड़ लोगों के बाढ़ की जद में आने का खतरा। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती न करने पर दिखेगा असर। सीतारमण ने परमहंस योगानंद की 125वीं जयंती पर जारी किया सिक्का। योगानंद ने पश्चिमी देशों में योग पिता के रूप में बनाई थी पहचान।
दिल्ली में महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा को लेकर संजय सिंह ने दी चुनौती, बोले दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस योजना को लागू करके दिखाएं। झारखंड में टाटा समूह की पहल से बड़ा महिला किसानों का फायदा, MSFPC को टमाटर बेचने से बड़ा 75% तक का मुनाफा। मोदी सरकार को घेरने के लिए 35 शहरों में संवाददाता सम्मेलन करेगी कांग्रेस, अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी और किसानों के संकट सहित कई मुद्दे उठाएगी पार्टी। मध्य प्रदेश में विधान परिषद के गठन के प्रस्ताव पर विचार विमर्श शुरू, भाजपा ने खजाने पर अतिरिक्त बोझ डालने का आरोप लगा किया विरोध। चीन ने अमेरिका के बयान को खारिज करते हुए की टिप्पणी, कहा दलाई लामा के उत्तराधिकारी के चयन के लिए बीजिंग की मंजूरी जरूरी। मुकेश अंबानी ने अर्थव्यवस्था में आई सुस्ती को बताया स्थायी, बोले सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से जल्द बदलेगी स्थितियां। 250 अंक की मजबूती से खुला सेंसेक्स, निफ्टी 11,800 अंक के पार, विदेशी कोषों के प्रभाव और कर रियायतों की उम्मीद का दिखा सर। प्रतापगढ़ के सत्य प्रकाश शुक्ला मामले पर प्रियंका ने योगी पर साधा निशाना, बोली यूपी में कानून व्यवस्था खराब, पुलिस जनता को कर रही है परेशान। BCCI के नवनियुक्त अध्यक्ष सौरभ गांगुली का ऐतिहासिक फैसला, कोलकाता में भारत बांग्लादेश के बीच होगा डे नाइट टेस्ट मैच। भारत दौरे से पहले बांग्लादेश क्रिकेट टीम को लगा बड़ा झटका, ऑलराउंडर साकिब अल हसन पर लगा 2 साल का प्रतिबंध। लखनऊ पहुंची अफगानिस्तान की टीम ने जमकर बहाया पसीना, 7 नवंबर से वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेली जाएगी क्रिकेट सीरीज। अभ्यास मैच में कॉलिन मुन्रो ने 54 गेंदों से जड़ा धुआंधार शतक, न्यूजीलैंड दौरे पर गई इंग्लैंड टीम को 8 विकेट से रौंदा। सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए तमिलनाडु क्रिकेट टीम की घोषणा, दिनेश कार्तिक को कप्तान और शंकर को मिली उप कप्तानी की जिम्मेदारी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।